नमस्कार दोस्तों, मेरा आपको दिखने का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान करने स्वागत करता हूँ। साथ स्वस्थ होंगे। आज हम अपने ट्रैवल ज्ञान पे आपको एक जगह पे लेके जा रहे हैं जो पालघर में स्थित है, जिसका नाम है कालदूत फोर्ट। और ये जो फोर्ट है लगभग 1550 फुट ऊपर, जो सी लेवल से ऊपर है। और ये फोर्ट में जाने के लिए आपको 3 फेज आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। और इस जगह का ये आप देख सकते हैं, पालघर जो मनोर का जो एरिया है वहाँ का ये रोड है। और वहाँ से आपको ये खंडोबा खिंड करके यहाँ पे एरिया है, वहाँ पे आपको उतरना पड़ेगा और यहाँ से आप अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे एक मंदिर भी है, उस मंदिर के पास में ये रास्ता जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। अभी ये रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं पूरे घने जंगलों से लदा हुआ ये पूरा जंगल है, पूरा पर्वत है, एक छोटा सा हिल जैसा है। उसके बाद वापस एक बड़े हिल पे आपको जाना है, उस हिल से। तो ये आप देख सकते हैं कि 50 फुट के ऊपर से आप देख सकते हैं कि पूरा रोड दिखता है यहाँ से। और इस तरह से पूरा घना जंगल है, उसके अंदर से आपको पूरे झाड़ियों से होते हुए जाना पड़ेगा। आगे देखते हैं कि आगे जाते जाते हमको कैसे व्यू दिखते हैं। जितना ऊपर जाते हैं ये किले पे आपको अच्छा व्यू एक आपको दिखेगा, ये मेरी आशा है इस वीडियो में आपको दिखेगा। बहुत ही सुंदर, मतलब पूरा जंगल है। आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ भी यहाँ पे बनी हुई है पत्थरों की और मिट्टी की, जो पूरे उस टाइम में जब बनाया होगा, जब किला चली उस टाइम की ये सीढ़ियाँ है सब। और वापस आप देखेंगे तो यहाँ का जो व्यू है बहुत ही सुंदर और नेचुरल व्यू है। आपको सामने पहाड़ी और खाड़ी भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर कुछ बंदर भी रहते हैं यहाँ पर ये जंगल में, और इसलिए आपको यहाँ पे आते वक्त कुछ भी खाने का सामान या कुछ भी आपके हाथ में नहीं रखना चाहिए, ताकि ये बंदर आपको तंग ना कर सके। फिर भी आप देख सकते कितने मनोरम दृश्य है यहाँ पे, बंदर अपने आप खेल रहे हैं और कूद रहे हैं, आप देख सकते पेड़ों पर। बस खास ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ खाने का कुछ सामान उनके हाथ में नहीं देना है। आप देख सकते कितना सुंदर दृश्य है यहाँ से। इसके बाद जैसे आगे आगे बढ़ते हैं, जंगल और घना होता जा रहा है, और जो रास्ता है वो भी थोड़ा कठिन होता जाता है। बट एक प्लेन रास्ता है, आप यहाँ पे अगर आप फर्स्ट बिगिनर है ट्रैकिंग के लिए तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा, मतलब आपके लिए ट्रैक होगा और आपको ईजीली होगा। ये मतलब मॉडरेट लेवल पर है, मतलब इतना भी डिफिकल्ट ट्रैक नहीं है। ये हमारे साथी है संजय भाई, जो हमारे साथ इस पूरे वीडियो में रहेंगे, और हमारा बहुत सहयोग दिया इस वीडियो में उन्होंने। बहुत ही जोश उमंग से हमारे साथ आए थे, उनको बहुत अच्छा लगा। आप भी अगर हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो आप ज़रूर हो सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पूरा रास्ता है इसका, पत्थरों घने जंगलों के बीच में। खास आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ट्रैकिंग करें तो आप फुल पैंट पहने, आपके हाथ में कुछ ना कुछ तो लकड़ी जैसा कुछ होना चाहिए, ताकि वहाँ पे कुछ अगर कोई जानवर आपको मिल सके तो आपको आप उससे अपना बचाव कर सके। और पानी 5 लीटर तो पानी आपके पास होना चाहिए मिनिमम ऐसे जंगलों के आने में, क्योंकि कभी पानी मिलता है ना मिलता है ऊपर किलो पे, तो आपको ज़रूर अपने पास रखना चाहिए। और कुछ खाने का सामान भी छोटा मोटा जो सूखा सा है वो रखिए, और जो भी आप प्लास्टिक का जो भी यूज़ करें वो आप अपने साथ ज़रूर लेके जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कचरा करेंगे इस नेचुरल वातावरण में तो इस जंगल के लिए नुकसानदायक होगा। बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर जंगल भी है। जितना आगे बढ़ेंगे उतनी झाड़ियाँ बढ़ती आती है आगे, जैसे आप देख सकते हैं इस पूरे वीडियो में। ये सामने की पहाड़ी है इस कालदूत फोर्ट के सामने। और जितना हो सके आप जल्दी ही अपनी ट्रैकिंग जब भी स्टार्ट करें तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि जितनी धूप कम होती है उतना चढ़ाई में बहुत ईजी हो जाता है। अभी हम ये फेज़ फर्स्ट जो है हमने क्लियर कर दिया लगभग, अभी हम सेकंड फेज़ पे पहुंच गए हैं इस ट्रैकिंग के, जहाँ पे हमें एक अच्छी सी मतलब जगह मिलेगी जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। आप आगे देख सकते हैं उस प्लेस को। ये इसका सेकंड फेज़ अभी स्टार्ट होगा यहाँ से इस ट्रैकिंग का। यहाँ पे भी मैंने कुछ बंदर दिखे, तो झाड़ियों में थे और खेल रहे थे। आपको खास ध्यान रखना कि उनको कोई खाने पीने का सामान उनको नहीं दिखाना है और नहीं उनको देना है, क्योंकि वो एक बार दे देंगे आपके पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए आपको ये खास बात ध्यान रखनी है उनके साथ। उनको उनकी मस्ती में रहने दीजिए।
ये चींटियों का घर है जो लाल चींटियां होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन पे कभी पैर ना रखे, नहीं तो वो लाल चींटियां बहुत ही मतलब ख़तरनाक रहती है आपके लिए, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है उसके लिए। ये अभी सेकंड फेज़ का पॉइंट स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी चट्टान है और उस चट्टान पे आप आके रेस्ट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ का भी व्यू बहुत ही सुंदर है, आप आगे देखेंगे यहाँ का व्यू जो है, और उसके सामने चट्टान के सामने आप देखेंगे तो आपको कालदुर्ग दिखेगा, जो बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है वो कालदुर्ग है, उसकी चोटी पर हमें जाना है। बहुत ही सुंदर व्यू था यहाँ से, यहाँ पे आके आप रेस्ट कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। हमेशा अपने विक्ट्री साइन को ऊपर रखिए ताकि आपको सक्सेस जरूर मिलती रहे। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको ये पसंद आया है तो अभी तक। और ये कालदुर्ग फोर्ट के जो वीडियो हमने खास आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और फिर हम आगे की जर्नी से स्टार्ट करते हैं सेकेंड फेज़ की। सेकेंड फेज़ का रास्ता थोड़ी और घनी झाड़ियों के बीच में है, तो आपको यहाँ पे चलते वक्त बहुत ध्यान रखना है कि कोई सांप या कोई भी का जानवर आपके पैरों के नीचे ना आ जाए, ये आपको बहुत खास ध्यान रखना है। पूरा रास्ता झाड़ियों के बीच में है, बट एक बात है कि रास्ता पूरा प्रॉपरली है, तो इसलिए किसी भी बिगिनर ट्रैकर के लिए ये बहुत ही अच्छा ट्रैक है और थोड़ा ईजी है। आप देख सकते हैं कितना प्लेन रास्ता है, मतलब इतना कोई उबड़ खाबड़ नहीं है। ये सेकंड फेज़ का एंडिंग हम लगभग पहुंचने वाले हैं इस सेकंड फेज़ की। अभी यहाँ से जो व्यू आपको मिलेगा वो आपको पालघाट से जो आगे का जो मुंबई साइड का है, जैसे सफाले है, उसके वो आगे केवले है, वहाँ का ये आपका व्यू है, विरार और उस साइड का मतलब पूरा व्यू हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ से पूरा व्यू है वो इस कालदुर्ग फोर्ट के इस पर्वत से। अभी और हम ऊपर जाएंगे उतना व्यू बहुत ही अच्छा आएगा, सो देखते हैं अभी आगे कैसे कैसे व्यू अपने को मिलते हैं। ये सेकंड फेज़ का लगभग हम एंडिंग पे आ गए हैं, ये बीच में से एक क्या बोलते हैं कि छोटा सा पतली पगडंडी है, उसको चढ़ते चलते हुए उस पर आप देख सकते हैं कि बीच में एक खाड़ी भी है, उस खाई से आपको पूरा ये व्यू केवले और उस साइड का दिखता है, केवले बीच और वो सब आपको दिखते हैं, वहाँ से आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर व्यू है। और जो हमारी जो रेलवे लाइन है जो अहमदाबाद और मुंबई को ज्वाइन करती है, वो लाइन भी यहाँ से दिखती है, यहाँ से आपको ट्रेन भी देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर व्यू होता है वो जब ट्रेनें चलती है तब भी। उसको भी एक छोटा सा रास्ता है, वहाँ से हम ये सेकेंड फेज़ को कम्प्लीट करके थर्ड फेज़ की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर व्यू है, अभी ये हम थर्ड फेज तक पहुंच गए। अभी ये कालदुर्ग फोर्ट की जो हमें जो किला है उसका कुछ पार्ट हमें जो दिख रहा है, ऐसे तो ये फोर्ट अभी कंप्लीट नहीं है, कुछ ही पार्ट उसका बचा है जो हम देख सकते हैं वहाँ पे जाके, तो जितना बचा है उसको आप ज़रूर देखे जाके, बहुत सुंदर है। बारिश में तो और भी सुंदर व्यू होता है वहाँ से, तो आप ज़रूर जाइए इस फोर्ट को देखिए। और हमारे जो साथी जो संजय भाई है वो भी बहुत ही उत्साह के साथ इस पूरी ट्रैकिंग को एंजॉय किया उन्होंने। यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ये थर्ड फेज़ का जो हमें स्टार्टिंग पॉइंट से व्यू दिख रहा है, बहुत ही सुंदर व्यू है। और लगभग 1550 स्क्वायर फीट की जो फीट की जो हाइट है वो बहुत इजीली हमने लगभग 45-50 मिनट में तय की। और देखो उन्होंने अपना विक्ट्री साइन भी दिखाया है। अभी हम यहाँ से थर्ड फेज़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, जहाँ पर आपको किले के कुछ पार्ट दिखेंगे, कुछ दीवारें दिखेगी, कुछ सीढ़ियाँ दिखेगी, और पानी के जो कुंड है वो भी आपको यहाँ से दिखेंगे हम जैसे ऊपर जाएंगे। तो
आप यहाँ पे आके बहुत ही अच्छी सुंदर इस व्यू के साथ अपना वीडियो बना सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। बट ध्यान रखिए कि ऐसी चीज़ करते वक्त आपको बहुत ही कॉशन लेना है कि आपका पैर और कुछ भी स्लिप ना हो। जितना हो सके उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप उसको बेयर कर सके। ये देखिए बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। ये यहाँ पे एक जब एंटर होते हैं किले की तरफ तो एक पहला कुंड आता है, इसमें पानी भरा हुआ, बट अभी थोड़ा गंदा पानी है, बट इसको पीने लायक नहीं है। इसलिए आप जब भी जाए किसी भी फोर्ट पर तो आप एटलीस्ट 3 से 5 लीटर का पानी अपने साथ रखें। कभी कभी अच्छा मिल जाता है तो हम लोग वहाँ पर पी सकते हैं, बट अभी ये पानी अच्छा नहीं है, पीने लायक नहीं है। और यहाँ पे कुछ हमारे साथी दुर्ग सेवक भी आए थे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबने अपने नाम लिखे, वो बहुत ही गंदी हैबिट है। आप सबको जहाँ भी जाए आप ये सब नाम लिखना अवॉइड करें, इससे हमारी जो संस्कृति और हमारे जो धरोहर जो है बची हुई वो भी नष्ट हो जाती है। इसलिए आप ज़रूर ध्यान रखें। और हमारे कुछ दुर्ग सेवक भी इधर आए थे जो सेवा करने के लिए आए थे, जो यहाँ पे सफाई और सब ध्यान रखते हैं कुंड की और वो सब की, तो ये बहुत ही एक सराहनीय काम करते हैं। आपको हम दिखाएंगे कि कैसे वो कुंड साफ़ करते हैं आगे एक वीडियो में। ये हम किले के टॉप पर एकदम आ गए हैं, थर्ड फेज़ ख़त्म हो गया हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो व्यू है वो और भी सुंदर हो जाता है। और ये ध्वज भी आपको दिखेगा यहाँ से, भगवा ध्वज अपना। यहाँ से पूरा पालगढ़ का आपको जो व्यू दिखेगा, किले का व्यू दिखेगा, सफाले का व्यू दिखेगा, मुंबई साइड जो है अपना विरार उस साइड का व्यू दिखेगा आपको। पूरा ही एक आप बोल सकते हैं पूरे ये चोटी जो है पूरे बीच में है, कई सारे पर्वतों के बीच में, छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में, पूरी तरह से नज़र रख सकते हैं आप यहाँ से। ये एक्चुअली यहाँ पे जो सी का जो मूवमेंट था उसको ध्यान पे रखते हुए ये जो है फोर्ट है वो बना होगा। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लुक दिख रहा है यहाँ से, हमने थोड़ा एक फोटोग्राफी किया। तो आप यहाँ पे आके अपना ये तरह से एक बेटर लुक में फोटो ले सकते हैं। ऊपर की पूरी चट्टान है, चट्टानों से ये सब पूरा है। आप जरूर इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये पसंद आया है, आपको ये व्यू पसंद आया है तो। और सब्सक्राइब किए भी मत जाइए, हमारी फैमिली को और बढ़ाइए और सहयोग कीजिए ताकि हम आपको लिए और ऐसे ऐसे अच्छे व्यू जो है नॉलेज जो है ट्रैवलिंग के वो भी लेके आए और आप भी इस जगह पर जा सकें। ये बहुत ही सेफ़, मतलब आप बोल सकते हैं कि ट्रैकिंग था हमारा, तो आप ज़रूर जाइए, रिकमेंडेड है हमारी तरफ से आपको। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ दुख सेवक भी आपको यहाँ पे सेवा करते हुए दिखेंगे। वो देखिए आप देख सकते हैं पानी को साफ़ कर रहे हैं। तो ऐसे दुख सेवक बहुत सारे हैं जो किलों की रखवाली और उनकी मरम्मत उनका काम करते हैं। हमारे भी कई सारे मतलब दोस्त मित्र है वो सब इसमें जुड़े हुए हैं। तो आगे हम आपको और वीडियो में दिखाएंगे, उनसे मिलवाएंगे। ये जो किले का मेन जो है पॉइंट है जहाँ से ध्यान रखा जाता है, इस किले में लगभग 3 कुंड है और ये जो मेन यहाँ पे एक छोटा सा कुंड भी है। और ये पूरा जो एरिया है पूरी तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही क्लीन और नीट है। अब ये जो मेंटेन किया है बहुत ही सुपर व्यू है यहाँ से जंगलों के बीच और आपको समुद्र तक आपको रास्ता पूरा दिखता है यहाँ से। और यहाँ से सूर्य डैम जो हमने आपको पहले वीडियो बनाया था उसका जो डैम है वो आपको ये दिखेगा, तो वो बहुत नज़दीक है यहाँ से। तो आप यहाँ से जाके आप वहाँ पे जाके यहाँ पे भी आ सकते हैं, वहाँ पे भी आप जाके नहा सकते हैं और बहुत अच्छा मज़ा आप इन्जॉय कर सकते हैं। तो जरूर जाइए सूर्य डैम पर। अगर आपने वीडियो देखा तो मैं इसके नीचे लिंक में आपको दे दूँगा। और इसके साथ साथ मेरी एक थोड़ी सी अपनी से रिक्वेस्ट आप जरूर सुनिए उसको, तो अभी आए आप जब भी कभी अपने कोई भी किले पे या गढ़ पे आए तो आप ज़रूर देखें कि आसपास में कितना कचरा है। ज़रूर आप जो ही बोतल आपके पास रखिए जिसको आपको आप यूज़ कर सकते हैं वापस, और जो अपना कचरा है वो आप अपने साथ लेके जाइए ताकि ये गढ़ किले सुरक्षित रह सके। सो कचरा फैलने से यहाँ पर आग भी लगती है, तो वो बचाने के लिए आप ज़रूर इस सहभाग कीजिए और जितना हो सके आपके हिसाब से जितना भी हो गए सफाई कीजिए उसका।
थैंक यू, धन्यवाद। सो आप जब भी जाए ऐसे किलों पर तो बहुत ध्यान रखिए, प्लास्टिक का फैलाए और बहुत ध्यान रखिए। और अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि वो भी इस प्लेस तक आ सके। और इस खास ध्यान रखिए कि ऐसे किलों पर जाना बहुत ज़रूरी है, आपको वहाँ के नॉलेज, वहाँ के भी ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है आपको, और मतलब डिवाइन पावर आपको मिलता है उससे चलने पर। तो आप ये व्यू के साथ एंजॉय करते हुए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू। जय जय भारत।